गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स ये चैप्टर नंबर आपको 12 मिलेगा और क्लास कौन सी है बेटा? 10th। तो ओके बेटा, तो क्या मैंने चैप्टर बताया? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इससे पहले की कुछ फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा बेटा, थोड़ा देख लो आप। स्केलेन ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल नहीं होता, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो एस निकालेंगे जो हाफ पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, ऐसे कहोगे तो 9th क्लास में चैप्टर 12 में कुछ कॉन्सेप्ट आपको जरूरत पड़ेगा इसमें, जैसे कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये आपको जरूरत पड़ेगा। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, वो आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आप फॉर्मूला नोट आउट कर सकते हो, पैरेललोग्राम का भी कोई जरूर नहीं है। जानने के लिए आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो, या बेस इंटू हाइट उसका एरिया होता है, पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है वही होता है 2 × 12 + b, और रेक्टेंगल का भी आप प्रॉपर्टीज दे रखा है पेरीमीटर एरिया, और आप देख सकते हो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होती है पेरीमीटर 2 × 12 + b। स्क्वायर के लिए जैसे आपका साइड इंटू साइड और 4 × साइड होती है, और रोम्बस का प्रॉपर्टीज आपको पता लग गया, अपोजिट साइड इक्वल होती है, 4 साइड इक्वल। एक बात ध्यान देना, इसकी चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस का भी चारों साइड, स्क्वायर का भी चारों साइड इक्वल है, लेकिन इसकी जो डायगोनल आपस में क्या करेंगे, ये बराबर नहीं होते, और ये आपस में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये जो प्रत्येक जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री होगा, उसके एरिया होता है 1/2 d1 × d2 पेरीमीटर 4 × साइड। ऐसे ट्रापेजियम का भी है, लेकिन इसमें जरूरत नहीं होगा, जो जरूरत होगा ये आप देखिए। सर्कल के बारे में बात करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है, ये सेंटर से लेकर और सर्कल के ऊपर तक जो है उसको रेडियस बोलते हैं, ये होता है त्रिज्या, और सेंटर से होकर गुजरेगा तो उसको बोलते हैं आपका डायमीटर। सबसे लॉन्गेस्ट जो कोण होता है वो आपका डायमीटर होती है, उसके आर बराबर में d/2, इसका मतलब डायमीटर बाय टू, ब्यास बटे में 2, ब्यास बराबर में 2 गुना में त्रिज्या, और एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 और 3.14। सरकमफेरेंस होता है 2πr और πd, और ये मेरा सर्कल है। लेकिन अगर पूछा जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, देखो सेक्टर क्या होता है, अगर दो त्रिज्या है, दो रेडियस से जो भी एरिया बना पड़ा है उसको सेक्टर बोलते हैं। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, या उसको बोलोगे 1/2 l × r, पेरीमीटर थीटा बाय 360 2πr + 2r, जरूरत नहीं बेटा इसको। लेकिन l कैसे निकालोगे? थीटा बाय 360 2πr, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, जो आर्क है ये छोटे वाला, उसको निकालने के लिए थीटा बाय 360 2πr। ये थीटा क्या होता है? जो एंगल बनेगा दो रेडियस के बीच में। और सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस क्या होता है? सेगमेंट जो बच गया, जो भाग बच गया, उसको हम बोलेंगे सेगमेंट बोलेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ये 60 का हो तो पता लग गया इक्विलेटरल है, रूट 3/4 साइड का स्क्वायर। अगर 90 का हो तो आपको पता लग जाएगा कि 1/2 × बेस × हाइट r², अगर आपका पता लग गया कि 90 से बड़ा हो तो बड़ा r² साइन थीटा बाय कोस थीटा बाय 2, अगर छोटा हो तो 1/2 r² साइन थीटा। तो इस टाइप का अलग अलग कंडीशन के लिए ये थीटा जो जो दिया होगा वो आप करोगे। अब हम रिंग के लिए आते हैं, रिंग के लिए अगर हो तो क्या होगा ना, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, या उसको बोलते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 2, और पेरीमीटर होगा पाई आर प्लस 2r। अब आपको दे रखा है नीचे कुछ चीज़ें, आप देखो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, वो भी थोड़ा आप मेंशन कर रहे हो तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बड़ा उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। सेमी सर्कल है और रिंग है, एरिया ऑफ सेगमेंट है। हाँ, एक चीज़ और बताना पड़ेगा बेटा, अगर पूछेगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर के लिए मतलब पूरा एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर मतलब ये जो अंदर वाला जो है, ये वाला जो काला हो रखा है ना वही, अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ना एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये हो गया मेरा माइनर सेक्टर है, और ये पूरा एरिया में से ये वाला माइनस कर दो तो जो मेरा आएगा
वो मेरा आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके बेटा, समझ में आ गया बेटा आपको?